और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो बाकी वीडियो से थोड़ी डिफरेंट है। आज मेरे भाई भाभी की अल्हम्दुलिल्लाह पहली एनिवर्सरी है, माशाल्लाह 1 साल हो गया उनकी शादी को। तो आज हम बोलो, आज हम एनिवर्सरी वो आपके साथ सेलिब्रेट करें। तो चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले केक दिखाती हूँ कि हम लोग कैसे केक लाए एनिवर्सरी के लिए। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को केक कैसा लगा। तो अब हम अपनी सेलिब्रेशन स्टार्ट करते हैं। आज मेरे बच्चों की शादी की पहली सालगिरह है, तो हम केक कटने से पहले दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इनकी हर ख्वाहिश पूरी करे। तो हम दुआ करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अल्लाह अहद, या अल्लाह तो इन दोनों बच्चों को हमेशा खुश सलामत और आबाद रख। या अल्लाह इन दोनों बच्चों की नेक ख्वाहिशात पूरी कर, इनके रोजी रोजगार में, माल औलाद में बरकत दे। अल्लाह अल्लाह कुल मुसलमान मोमिन मर्दों औरतों को जिनके घर औलाद नहीं है उनको औलाद दे, जो बेघर है उनको घर दे, और उन सबको खुशियां दे, उनके सबके मेरे बच्चों को भी खुशियां दे। आमीन। इन दोनों की शादी की पहली सालगिरह है, इसीलिए ये मेरे और मेरे हस्बैंड की तरफ से इन दोनों के लिए गिफ्ट है। मेरे हस्बैंड कुछ काम में बिजी थे जिसलिए वो नहीं आ सके, तो इसीलिए मैं उनकी तरफ से और मेरी तरफ से ये गिफ्ट उनको दे रही हूँ। ये जन्नत बेटा आपके लिए है, थैंक यू। और ये अली रजा बेटा आपके लिए। हमारी सब दुआएं, सब उम्मीदें सब तुम लोगों से है। अल्लाह तुम लोगों को खुश रखे, हर कदम पर कामयाब रखे, और तुम्हारे घर हमेशा आबाद रहे। तुम लोग हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो, इसी तरह हजारों साल तुम्हारी जिंदगी हो। अली भाई ये क्या कर रहे हैं आप? मैं केक खा रहा हूँ। आप खुद केक खा रहे हैं, भाभी को कुछ गिफ्ट वगैरह नहीं देना आपने? मैं पहले गिफ्ट दे चुका हूँ और इतना ज्यादा दिनों से केक मीठा लग रहा है मुझे। असल में ये मेरे मियाँ ने, ये जो ड्रेस मैंने पहना हुआ मेरे मियाँ ने मुझे गिफ्ट किया है। कैसा लग रहा है? काफी होता है गिफ्ट। ऐसा तो नहीं होता ना, पहली है, पहला। अच्छा मतलब जब 10 साल हो जाएंगे मतलब 10 गिफ्ट मिलेंगे। दूसरी एनिवर्सरी होगी इसका भी ज्यादा हो जाएगा। नहीं ठीक है। तो भाभी आप क्या देंगे फिर अली को? मैं अभी देती हूँ, आप देखे। बहरहाल इतना तू बोल रही है सिर्फ तेरे कहने पर, ये एक मैंने सोचा ये दे दूँ कुछ बस, ठीक है ना? इतना था, ये बहुत वजनी है। क्या मैं पत्थर डले में बनाता रहा हूं। मैं तो बॉडी बनाता रहा हूं जितने दिन पे मैंने ली थी है। ठीक हो गया क्या? बम फटता है। चलें भाभी और बताएं ड्रेस कैसा लग रहा है आपको जो भाई ने दिया आपको? बहुत अच्छा लगा है,
और वैसे भी मियाँ की जो चीज होती है ना वो बेस्ट होती है बीवी के लिए, तो मेरे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। जो बात है जोड़े पे खास मैंने वो पूरी की है, कढ़ाई खुद ही ने की। मैंने दर्जी के सामने बैठ के दर्जी से सिलवाया ये। चलो एक ही साथ एक गिफ्ट फ्री मिल गया भाभी, ऑर्डर में ऑर्डर पे बना ये बकायदा स्पेशली मेरे भाई ने खुद डिजाइन की। पता चल रहा है ना कि इनकी खुद की डिजाइनिंग है। तो भाभी आपको लग कैसे रहा ये ड्रेस? जबरदस्त। और आप भी बताएं मुझे कि कैसा लग रहा है, कमेंट्स में बताना मुझे। तो सारे आप लोग कमेंट्स में बताना कि आप लोगों को ये ड्रेस कैसा लग रहा है। तो भाई चलो भाभी को तो गिफ्ट मिल गया, भाभी आप क्या दे रही हो? मैंने ये दो लिए, अब पसंद आते हैं नहीं आते मेरे लिए को ये इनको पता है। मतलब लेकिन ये तुमने बदला उतारा है? हाँ, नहीं, मतलब दो के बदले दो दिए। हाँ, दो दिए, एक ये और एक ये। हाँ, और ये दो। हाँ तो दो चलते हैं ना, अगली बार जब आप तीन लेंगे मैं क्या कर दूंगी। हाँ। भाई देखो एक के बाद एक बढ़ेगा। हाँ। क्यों बढ़ेगा, कहाँ से बढ़ेगा? भाई देखो अगले साल भाभी दो देगी, आपने चार देने। मैं आधा दूंगा। नहीं नहीं, शोर को ज्यादा देने। दो है ना, तो देखो दो के बदले दो। बहुत स्पेशल है मेरे लिए, खास तौर पे मेरी बेगम ने दिए और बहुत मेरे लिए मोहतरम में अजीज है, इसकी तहे दिल से इज्जत करते हैं। चलो जी सही हो गया भैया, आप दोनों को गिफ्ट शिफ्ट मिल गए, गिफ्ट भी मिल गए और केक भी खा लिया मैंने। और अभी थोड़ा सा अच्छा, मुझसे उम्मीद नहीं रखना मैं कुछ दूंगी। नहीं वो मेरे को पैदा होने के बाद से नहीं। चलो हटा मेरी भाड़ी आ गिफ्ट देने की। क्या मतलब सुकून नहीं है। तो अब हम सबने तो गिफ्ट दे दिए, अब नरमीन तुम्हारी बारी है। देखो दिल तो नहीं था, फिर भी मैंने छोटे छोटे से गिफ्ट दे दिए भाभी आपके लिए। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मैंने कर लिया बैठे बैठे। ये मुमकिन ही नहीं हो सकता, मैं ये सोच ही नहीं सकता कि मुझे यहाँ से गिफ्ट मिला, इसलिए मैंने सबसे ऊपर रखा। देखो एक पहली एनिवर्सरी थी, मैंने चलो दे देती हूँ भाई भाभी, पहली एनिवर्सरी छोटा या बड़ा अहमियत रखता है। अहमियत रखता है। मुझे केक नहीं खिलाओगे यार? नहीं। तुम केक खाओगी? हाँ हाँ, दोनों इसको केक खिलाओ, मैं सारा खा जाऊंगी। इतना बड़ा निवाला, अल्लाह अल्लाह। ये ऊपर वाली वो ब्लैक ब्लैक वाली या पीला फूल? ये फूल है ना, ये फूल ये पूरा गुलदस्ता जाएगा इसके मुंह में भी। बहुत ये देख रहे ओहो आया ओहो इतना बड़ा आप देख रहे व्यूअर्स, इसका मुंह कितना भर गया है और भाई इसको छोड़ भी नहीं रहा, थोड़ा सा बाकी रह गया। ओहो अभी भी वैसे थोड़ी सी बख्शिश करनी पड़ेगी। हाँ और खाना बस और नहीं बोलेगी तो मैं आपके मुंह धो के मेरे मुंह पे केक रख गया सारा। ठीक है जा मुंह धोकर आ, मैं भी आता हूँ मुंह धो के, क्योंकि मेरे हाथ पे केक लग गया। तो जी सेलिब्रेशन तो आप लोगों ने देखे कि कितने अच्छे तरीके से हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। अच्छा सेलिब्रेशन कंप्लीट हो गई, अब हम चलते हैं डिनर करते हैं, क्योंकि सेलिब्रेशन के बाद खाना पीना तो बनता ही बनता है। तो चलिए हम ना डिनर करते हैं। भाई भाभी की फर्स्ट एनिवर्सरी की, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छा खुशियाँ जो होती थी ना इनको सेलिब्रेट करना चाहिए, आप लाजमी नहीं कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करो या कैसे भी सेलिब्रेट करो, लेकिन इन खुशियों को ना आप सेलिब्रेट ज़रूर किया करें अपनों के साथ। एक मतलब प्यार बढ़ता सब होते, बाकी ज़िंदगी में लोग अपने मसरूफ रहते हैं, लेकिन ये जो कुछ खुशियाँ होती हैं आप सेलिब्रेट करते ना तब सब एक साथ होते, तो इनका ना एक अलग इंजॉयमेंट होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।